सुशांत सिंह राजपूत की आज तक को डायरी मिली है, जिसमें उन्होंने 2020 का प्लान तैयार किया था। 2020 के प्लान को सुशांत ने तीन हिस्सों में बांट रखा था। पहले हिस्से में बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में काम करना शामिल था। दूसरे हिस्से में कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते थे। वहीं तीसरे हिस्से में उनका स्टार्टअप प्लान था, जिसमें इनर्जेंट टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो सुशांत की फर्म थी, जिसमें शोविक डायरेक्टर थे। सुशांत सिंह की डायरी में बहन प्रियंका सिंह का भी जिक्र है, जिन्हें अपनी कंपनी में और काम में हिस्सा बनाने का जिक्र है। वहीं रिया डायरी में नजर नहीं आ रही हैं। इसके अलावा सुशांत ने एफटीआई के डायरेक्टर और लेखकों के साथ काम करने का प्लान बनाया था। बताया जा रहा है कि यह डायरी 2018-19 की है। सुशांत के कुछ और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में सुशांत एस्ट्रोनॉट की फिल्म का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं एक वीडियो में वो ड्राइविंग के साथ पुरानी फिल्म का गाना गाते नजर आ रहे हैं। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई, रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार आमने सामने है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान आया है। शरद पवार ने कहा है कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई परेशानी नहीं है, हालांकि उन्हें मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र पुलिस पूर्ण विश्वास है आणि एवढे करून कोणाला वाटत असेल तर सीबीआई वगैरे आणखी कुठली एजन्सी वापरायची असेल तर मी काही त्याला कधी विरोध करणार नाही। याच्यात त्याच्या पाठीमागचा हेतू काही मी काही सांगू शकत। एनसीपी नेता माजिद मेमन ने सुशांत को लेकर विवादित बयान दिया है। माजिद मेमन ने कहा कि सुशांत अपने जीवन काल के दौरान उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने कि अपनी मौत के बाद हो गए। मेनन के मुताबिक प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा मीडिया अब सुशांत को जगह दे रहा है। सुशांत के पिता के वकील ने दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। विकास सिंह के मुताबिक इस पूरे मामले में सबसे संदिग्ध भूमिका पिठानी की है, जो कि सुशांत के मौत के वक्त वहां पर था। उसने सुशांत का शव उतारा, वहीं बहन के आने का इंतजार भी नहीं किया, जो कि सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंचने वाली थी। वहीं ईडी ने भी पिठानी से करीब 14 घंटे पूछताछ की। ईडी की जांच में पता चला है कि रिया के मोबाइल से मैसेज डिलीट हुए हैं, वहीं रिया के भाई शोविक और पिता के फोन से भी डेटा डिलीट किए गए हैं। विविध रेज रियलिटी एक्स नाम की सुशांत की जो कंपनी थी, उसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी बार बार बदला गया। खबरों के मुताबिक एक साल में एक या दो बार नहीं बल्कि 17 बार आईपी एड्रेस बदला गया। सुशांत के जिंदा रहते आखिरी बार 7 जून को और सुसाइड के बाद इसी महीने 7 अगस्त को भी आईपी एड्रेस बदला गया। ईडी ने रिया शोविक और उसके पापा के मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और करीब साल भर का पूरा डेटा रिट्रीव किया। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। आखिरी सुनवाई में जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में ये तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला करेगा कि मामले में सीबीआई जांच करे या नहीं। बिहार सरकार को निशाने पर लेते हुए महाराष्ट्र में मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में गंदी राजनीति हो रही है, जांच के लिए मुंबई पुलिस समर्थ है, बिना सबूत के आरोप लगाना उचित नहीं। देखिए, ये गंदी राजनीति है, ये जानबूझकर किसी को बदनाम करने का ये साजिश है। पुलिस पूछताछ जांच कर रही है और मुंबई पुलिस का पुलिस के ऊपर उसकी कार्यक्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ये गलत है और इसलिए जो भी है ये राजनीति है। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा दिया है। कुल्लू में उफनती समतल नदी की चेतावनी को नजरअंदाज करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। तेज धार उन्हें बीच नदी में बहा ले आई।
घंटों तक जान मुश्किल में फंसी रही। जब गांव वालों को पता चला तो टायर और रस्सियों की मदद से उन्हें निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अचानक आया सैलाब अस्थायी पुल को बहा ले गया। पहाड़ों से पानी के साथ बहकर आए मलबे में कई वाहन भी दब गए, जिन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि किसी राहगीर की जान नहीं गई। मोतिहारी में गंडक नदी का प्रकोप एक सरकारी अनाज के गोदाम पर पड़ा। यहां लाखों टन अनाज बाढ़ में डूबने से बर्बाद हो गया और सड़ गया। ये मामला जिले के केसरिया खाद्य निगम का है। डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर बाढ़ से पहले गोदाम को क्यों नहीं खाली किया गया। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश के बाद नदी अचानक उफान पर आ गई। एक बाइक सवार ने इस दौरान पुल पार करने की कोशिश की और बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत करके उसे बहने से बचाया। बाढ़ में कुछ जानवर भी बह गए। बिहार के छपरा का दिल दहला देने वाला मंजर देखिए। दो मंजिला पक्का मकान देखते ही देखते भरभराकर धड़ाम हो गया। रिहायशी इलाकों में कई दिनों से भरे पानी ने कई मकानों की नींव हिला दी है। ये मंजर इसी का नतीजा है। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए लोगों ने मकान पहले ही खाली कर दिया था। ऋषिकेश हरिद्वार बाईपास से गुजरती नदी की धार देखते ही देखते उफान पर आ गई। लेकिन कार सवारों ने इसे पार करने की हिमाकत की। जब तक संभलते नदी का तेज बहाव कार को बहा ले गया। कई लोगों की जान नदी के बीच में अटकी थी। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में सुबह से जबरदस्त बारिश हो रही है। कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। बारिश से जगह जगह जल जमाव भी हो गया है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तड़के सुबह की तस्वीरें हैं। दिल्ली में बदले मौसम के साथ धीरे धीरे सड़कों पर पानी भर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे टैक्स से जुड़े एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इससे टैक्स के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी। 15 अगस्त से पहले इस प्लेटफॉर्म के जरिए ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे, जबकि देश भर के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 30% से 22% तक कर दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवान के परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। जौनपुर निवासी सेना के जवान जिलाजीत यादव कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। सीएम योगी ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जौनपुर के एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। पंजाब में कैप्टन सरकार ने 12वीं के छात्रों को तोहफा दिया है। प्रदेश भर में 12वीं के बच्चों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत स्मार्टफोन बांटने के लिए सरकार ने 92 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 6 छात्रों को खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
फोन देकर इसकी शुरुआत की, जबकि 26 अलग अलग जगहों में उनके मंत्रियों और विधायकों ने फोन बांटे। बेंगलुरु हिंसा मामले में राज्य सरकार एक्शन लेने की तैयारी में है। इस हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार अब उपद्रवियों से करेगी। हिंसक भीड़ ने करीब 300 कारें जला दी थी और कांग्रेस विधायक के घर के अलावा कई मकानों को आग लगा दी थी। वहां के थाने को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हिंसा में 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस मामले में SDPI नेता मुजम्मिल पाशा समेत करीब 145 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत लगातार गंभीर बनी हुई है, वो अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दुआओं की अपील की है। वहीं पश्चिम बंगाल में सेहत में सुधार के लिए यज्ञ किया गया। 2 दिन पहले प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिससे पहले उनके कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। राजीव त्यागी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें गंभीर हालत में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। दिन में राजीव त्यागी ने टीवी डिबेट में हिस्सा लिया था, जहां उनकी तबीयत ठीक थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजीव त्यागी के निधन पर गहरा शोक जताया है। तीनों नेताओं ने राजीव त्यागी की पत्नी से बात की है और उन्हें सांत्वना दी है। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने एक बब्बर शेर खो दिया। गहलोत सरकार 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने की तैयारी कर रही है। सत्र से पहले CM अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट और कोरोना को लेकर चर्चा होगी और विपक्ष का पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद जताई। राजस्थान में सत्र शुरू होने के पहले BJP ने भी बैठक बुलाई है। यहां पार्टी के विधायकों को आज 11 बजे BJP ऑफिस बुलाया गया है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। वसुंधरा राजे के भी मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से ईडी ने करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ की, जिसमें सिर्फ 2 बार ब्रेक दिया गया। ये जमीन की खरीद से जुड़े मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, जिसे लेकर उन्हें पिछले हफ्ते नोटिस दिया गया था। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नाइक ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वो घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे। आयुष मंत्री ने अपने संपर्क में आने वालों को भी टेस्ट करवाने की सलाह दी है। श्रीपद नाइक कोरोना वायरस से पीड़ित होने वाले 4th मंत्री हैं। उनके पहले अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन मेघवाल भी संक्रमित हो चुके हैं। बुधवार को देश में एक दिन में कोरोना के स्वस्थ होने वालों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज हुई। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 56,110 लोगों ने बुधवार को कोरोना को मात दी। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए। मुंबई में बुधवार को 1,132 नए केस दर्ज हुए और 50 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में अभी तक 6,940 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की सेहत पर निगाह रखने के लिए मुंबई के 3 अस्पतालों में पोस्ट कोविड OPD शुरू की गई है। BYL नायर, KEM और फोर्टिस अस्पताल में ऐसे लोगों को परामर्श दिया जाएगा। कर्नाटक में कोरोना मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को राज्य में 7,883 नए मरीज सामने आए। इनमें से करीब 2,800 केस सिर्फ बेंगलुरु में हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। बुधवार को करीब 3,000 नए कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 54 लोगों की मौत हो गई। बंगाल में कुल कोरोना केस 1,00,000 के पार जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में TMC यूथ विंग के एक नेता ने कोरोना संदिग्ध को मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित को कई दिनों से बुखार था, लेकिन खबर देने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं पहुंचे, तो TMC नेता PPE किट पहनकर मरीज को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गए।
एमपी में कोरोना संकट के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दरअसल कई मामलों में छुट्टियों से ड्यूटी पर लौटे पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिससे उनके साथ के लोग भी संक्रमित हुए। इसके चलते इमरजेंसी को छोड़कर पुलिस कर्मियों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेस ने इसे पुलिस कर्मियों के साथ ज्यादती बता रही है। एमपी में अब तक 720 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 23 कैदी और एक प्रहरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया है। जेल में ही आइसोलेशन वार्ड बनाकर इन कैदियों का इलाज शुरू कर दिया गया है। एक सप्ताह पहले भी जेल में 11 कैदी संक्रमित पाए गए थे। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी केस की जांच के लिए एसआईटी की टीम उनके घर पहुंची। एसआईटी की टीम ने सुदीक्षा के परिजनों के बयान लिए हैं। पुलिस की 5 टीमें इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। सुदीक्षा के घर वालों ने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ की वजह से सड़क हादसे में उनकी टॉपर बिटिया की जान गई। हालांकि पुलिस ने छेड़छाड़ से इनकार किया है। इस बीच बुलंदशहर के औरंगाबाद थाने में बुलेट सवार लोगों को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ के गोंडा थाने में बीजेपी के विधायक और थानाध्यक्ष के बीच जमकर विवाद हो गया। विधायक का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने अपने 2 साथी दरोगाओं के साथ मिलकर उनके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की। अलीगढ़ के इगलास विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के लिए इंसाफ की बात करने थाने गए थे। आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है और एसएसपी ग्रामीण का ट्रांसफर कर दिया गया है। सीएम ने आईजी अलीगढ़ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी टोल प्लाजा में अचानक गोली चलने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि टोल प्लाजा के पास बोतल बंद पानी बेचने को लेकर झगड़ा हुआ। एक शख्स को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दोनों ही पक्ष वहां दुकान खोलना चाहते थे। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों पर हत्या, लूटपाट और हत्या की कोशिश के कई मामले दर्ज हैं। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में बदमाशों ने एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया है। पुलिस की वर्दी में बदमाश कार में आए और डॉक्टर को उनके घर से उठा ले गए। डॉक्टर के परिजनों ने थोड़ी दूर जाकर कार का पीछा भी किया और डॉक्टर को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन बदमाश तेजी से कार लेकर निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कश्मीर में आतंकवादी तंजीमों को फंडिंग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों नॉर्थ कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को कैश और दूसरी जरूरत का सामान मुहैया कराते थे। तीनों के पास से 5,00,000 कैश बरामद किया गया है, जबकि उनकी निशानदेही पर 14,00,000 कैश दूसरे ठिकानों से जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक होटल से 45,00,000 रुपए नकद समेत करीब 1,40,00,000 रुपए का सोना चांदी बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने होटल में छापा मारा। पूछताछ में आरोपी नकदी और सोने चांदी का हिसाब नहीं दे पाए। उनके पास इसकी खरीद फरोख्त से संबंधित कागजात भी नहीं मिले। पुलिस आयकर विभाग को सूचना देते हुए 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान के भरतपुर के कामा कस्बे में पानी को लेकर लाठी डंडे और चाकूबाजी हो गई। आरओ प्लांट चलाने वाला सोहन सिंह जब बाजार में पानी सप्लाई करने पहुंचा तो एक दुकानदार ने झगड़ा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने मोबाइल से फोन कर अपने अपने लोग बुला लिए। इस वारदात में करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने करीब 50 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सांसद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया की सीनेटर हैं। कमला की मां भारतीय हैं और पिता जैमकन मूल के हैं। कमला हैरिस की उम्मीदवारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हैरानी जाहिर की है और कहा है कि कमला हैरिस ने कभी बाइडेन का सम्मान नहीं किया, इसके बावजूद उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। दुनिया में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,05,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 7,45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 213 देशों से 2,00,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 53,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं ब्राजील में कोरोना का आंकड़ा 31,00,000 से ज्यादा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में कोरोना की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। यहां 24 घंटे में कोरोना के 410 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हो गई है। इसे देखते हुए कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर स्कूल खोलने की बात दोहराई है, लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। यहां बीते 4 हफ्ते में 1,80,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चीन में कोरोना वायरस का एक बार फिर से फ्रोजन सी फूड में पाए जाने की खबर सामने आ रही है। चीनी प्रशासन का कहना है कि इंपोर्ट किए गए फ्रोजन सी फूड के पैकेट पर कोरोना वायरस पाया गया है। हालांकि ये वायरस कहां से आया है ये नहीं पता चल सका है। बेरूत में भीषण धमाके के 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन शहर का आधा हिस्सा अब भी मलबे का शहर लग रहा है। धमाके से पस्त हुए बेरूत के गवर्नर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है, ताकि बेरूत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। न्यूयॉर्क के मशहूर फास्ट फूड ब्रांड शेक शैक ने बीजिंग में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, तो उद्घाटन के घंटों पहले से करीब 200 युवा कस्टमर लाइन लगाने पहुंच गए। युवाओं में इसका ऐसा क्रेज है कि 18 साल की यांग फैन लाइन में सबसे पहले रहने के लिए सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। दुनिया की दो आर्थिक शक्तियां टकराव के मूड में आमने सामने दिख रही हैं, लेकिन युवाओं की सोच कुछ और ही है। जर्मनी के सिनसेम टेक्निकल म्यूजियम में बाइक सवार ने हैरान कर देने वाले स्टंट दिखाए। एड्रियान नाम के बाइकर ने प्लेन के विंग पर भी हैरतअंगेज स्टंट से दिल जीत लिया। स्टंट के दौरान 27 साल के जर्मन बाइकर को अपने बाइक पर जबरदस्त भरोसा नजर आया।